हाय फ्रेंड, आप सभी को फिर से मेरे एक और न्यू ब्लॉग पर स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाला हूँ पम्पकिन फ्लावर का साथ में मैगी रेसिपी बनाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं कढ़ाई बताया है, बताने के बाद कढ़ाई गर्म हो गया था। होने के बाद यहाँ पे मैं ऑयल डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है। होने के बाद यहाँ पे मैं ग्रीन चिल्ली ऐड किया है एंड ऑनियन ऐड किया है। यहाँ पे मैं सबसे पहले मिक्स कर रही हूँ चिल्ली एंड ऑनियन को। अच्छी तरह से ब्राउन होने देना। होने के बाद यहाँ पे मैं टमाटो ऐड किया हूँ छोटे छोटे करके। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे फिर से मैं पम्पकिन फ्लावर को मैं ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, चिल्ली पाउडर ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं ये मसाला फिर से यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर देना। पम्पकिन फ्लावर ऐड करने के बाद यहाँ से वाटर निकलता है, पानी निकलता है, जूल अपना खुद पर निकलता है। निकालने के बाद यहाँ पे मैं मैगी ऐड किया है। मैगी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पे मिक्स करते करते यहाँ पे पानी सूख गया है। सूखने के बाद यहाँ पे मैं वाटर डाला है, फिर से पानी डाला है। डालने के बाद यहाँ पे फिर से मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। अब मैगी पक्के हो चुका है। वाओ, बहुत टेस्ट लग रहा है। आई होप कि आप सभी को मेरी आज की मैगी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर देना ताकि मैं आप सभी के लिए और अच्छी ब्लॉग ला सकूं। एंड आज के ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ एंड नेक्स्ट ब्लॉग पर फिर से मिलते हैं। बाय बाय।